केंद्र सरकार अगले 6 से 8 महीनों में फ्लेक्स इंजन अनिवार्य कर सकती है। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स से भी इस इंजन को इस्तेमाल करने के लिए कहा है। आज नोदिस के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लेक्स इंजन होता क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, साथ ही जानेंगे कि सरकार फ्लेक्स इंजन को क्यों बढ़ावा दे रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि फ्लेक्स इंजन क्या होता है। फ्लेक्स शब्द इंग्लिश के फ्लेक्सिबल शब्द से ही बना है और इसी से साफ है कि फ्लेक्स इंजन यानी ऐसा इंजन जो दूसरे ईंधन या फ्यूल से भी चल सकता हो। ये एक खास तरह से डिजाइन किया हुआ इंजन होता है और इसकी खास बात यह होती है कि इसमें 2 तरह के फ्यूल डाले जा सकते हैं। भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फ्लेक्स इंजन पेट्रोल डीजल के साथ बायो इथेनॉल और मेथेनॉल को मिलाकर चलाया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो फ्लेक्स इंजन 2-in-1 सेटिंग है। इसमें आप अपनी गाड़ी को चाहें तो पेट्रोल डीजल पर चला सकते हैं, चाहें तो एथेनॉल पर। फिलहाल गाड़ियों में हम जो पेट्रोल यूज करते हैं उसमें 8.5% तक एथेनॉल मिला होता है, लेकिन फ्लेक्स इंजन में आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप पेट्रोल और एथेनॉल दोनों को अलग अलग रेशियो में यूज कर सकें। जब आप इसमें 2 तरह के फ्यूल डालेंगे तो इंजन अपने हिसाब से इसे काम में ले लेगा और फ्यूल में मौजूद अलग अलग ईंधन का कंसंट्रेशन पता कर इग्निशन को एडजस्ट कर लेगा। इथेनॉल और मेथेनॉल क्या है? इथेनॉल और मेथेनॉल पूरी तरह से बायोफ्यूल है। इसे गन्ना मक्का जैसे पदार्थों से तैयार किया जाता है और इससे प्रदूषण भी कम फैलता है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन के फायदे और नुकसान। फ्लेक्स इंजन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कॉस्ट पेट्रोल की कीमत से कम होगी। मान लीजिए अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है तो इसकी कीमत 60 से 65 रुपए प्रति लीटर होगी, यानी तेल के दाम 40% तक घट सकते हैं। इसके साथ ही इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना मक्का कपास बांस आदि का उपयोग होता है। क्योंकि ये किसान उगाते हैं तो जब एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ेगा तो सीधे तौर पर इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही इसका एक और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो ये कि एनवायरमेंट के लिए भी ये फायदेमंद है। एथेनॉल के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन 35% तक कम होता है, साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम होता है, जिसका सीधा फायदा पर्यावरण को होगा। नुकसान की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल के लिए फ्यूल सिस्टम और इंजन में बदलाव करने होंगे, जिससे गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो पेट्रोल डीजल के मुकाबले एथेनॉल की फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है। एथेनॉल का इस्तेमाल करने से गाड़ी के माइलेज पर भी असर पड़ेगा और माइलेज कम हो सकता है, जिससे रनिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर सबसे बड़े नुकसान की बात करें तो बता दें कि एथेनॉल की अवेलेबिलिटी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि फिलहाल देश के कुछ ही राज्यों में 8.5% एथेनॉल बेस्ड पेट्रोल मिलता है। इसके साथ ही सिर्फ पुणे शहर में 3 एथेनॉल स्टेशन हैं। इन देशों में हो रहा है फ्लेक्स फ्यूल इंजन का इस्तेमाल। फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां सबसे ज्यादा ब्राजील में इस्तेमाल की जा रही हैं। वजह है गन्ने की अच्छी पैदावार, क्योंकि दुनिया भर में गन्ने की सबसे ज्यादा पैदावार ब्राजील में होती है, इसलिए एथेनॉल का प्रोडक्शन भी आसानी से हो जाता है। ब्राजील के अलावा कनाडा, अमेरिका और चीन भी फ्लेक्स फ्यूल इंजन के प्रोडक्शन में टॉप देशों में शामिल हैं। सरकार क्यों दे रही फ्लेक्स फ्यूल इंजन को बढ़ावा? पेट्रोल डीजल के दाम हर दिन आसमान को छू रहे हैं, ऐसे में सरकार फ्लेक्स इंजन को बढ़ावा देकर पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता को किसी तरह से कम करने की कोशिश कर रही है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही जरूरी जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।